बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में एक क्षेत्र है जहाँ के समुद्र में रहस्यमय तरीकों से अनगिनत समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उनका कुछ पता नहीं लगाया जा सका है और यहाँ तक कि उनका मलबा तक नहीं मिला। कुछ लोग इसे दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस का हाथ बताते हैं, कुछ इसे सामान्य घटना बताते हैं। यह विषय इतना गंभीर है कि इस बात का इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि इस विषय पर कई किताबें और आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और यहाँ तक कि कई हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी है। यहाँ अजीब घटनाएं आज से नहीं बल्कि 19वीं सदी से होती आ रही हैं। बरमूडा ट्रायंगल की घटना के बारे में पहली बार 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा के दौरान की थी। वही कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, उन्होंने बताया कि उस रात के समय आकाश में से कई सारे फायरबॉल्स समुद्र में गिरते हुए दिखाई दे रहे थे और बिना हवा की लहरें उठ रही थी और उनका कहना था कि इस जगह पर उनका कंपास काम नहीं कर रहा था और वह गोल गोल घूम रहा था और गलत दिशा बता रहा था। इसके अलावा पूरी दुनिया का अकेले चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति यहोशू स्लोकियम 1909 में मार्था के वायनाड से दक्षिण अमेरिका तक की यात्रा के दौरान गायब हो गए थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन कई स्रोतों के बाद उनके मृत्यु के लिए बरमूडा ट्रायंगल को जिम्मेदार ठहराया गया। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो कि मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको तीनों कोनों से घिरा हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाजों और विमानों की कोई सटीक संख्या का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आम तौर पर अनुमान है कि लगभग 2000 पानी के जहाज और 75 हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल में अब तक गायब हुए हैं। इस क्षेत्र में लापता होने वाले जहाजों और विमानों के मलबे तक नहीं पाए गए। आज भी यहाँ ऐसे इंसिडेंट होते हैं। इस जगह पर फ्लाइट 1945 की घटना बरमूडा ट्रायंगल में घटे सारी घटनाओं में सबसे प्रसिद्ध घटना है। 5 दिसंबर 1945 को 14 नेवी एयरमैन ने उड़ान भरा। आसमान में लगभग 1 घंटे 45 मिनट उड़ान भरने के बाद कंट्रोल टावर का मैसेज आया जो कि फ्लाइट 19 के लीडर चार्ल्स सी टेलर का था। उन्होंने मैसेज में कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई भी कंपास काम नहीं कर रहा, वो किस दिशा में जा रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा। उसके बाद रेडियो सिग्नल बंद हो गया। फिर उस दिन के बाद फ्लाइट 19 कभी नहीं पाया गया, न ही समुद्र में न ही जमीन पर। उस दिन के बाद वो प्लेन गायब ही हो गया, पर उसी दिन शाम को एक सर्च प्लेन भेजा गया फ्लाइट 19 को खोजने के लिए, पर वो सर्च प्लेन और उसके 13 मेंबर भी गायब हो गए। उसके थोड़ी देर बाद फोर्ट लॉडरडेल एयरबेस से एक सी प्लेन PBM मेरिनर भेजा गया, लेकिन जल्द ही न सिर्फ वो रडार से गायब हुआ बल्कि उससे कोई रेडियो संपर्क भी नहीं हो पाया। एक ही दिन में 6 विमान और 1 समुद्री जहाज सहित इतने सारे वायु सैनिक खो देने के बाद अमेरिका में सनसनी पैदा हो गई। नौसेना के खोज अभियान के बाद कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद अमेरिकी नौसेना की अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया कि अमेरिकी विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। इसमें एलियंस का हाथ भी बताया गया। अमेरिका में इस घटना के बाद सबसे बड़ी जांच की टीम बैठाई गई, लेकिन एजेंसी किसी नतीजों पर नहीं पहुंच पाई। किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था कि विमान कैसे लापता हो गए। सालों तक इसके जांच के बाद इस फाइल को अननोन लिखकर बंद कर दिया गया। उसके बाद 1941 में भी USS साइक्लोप्स की 2 जहाजें प्रोटस और नेरस बरमूडा ट्रायंगल के उसी क्षेत्र में गायब हो गईं। इस बरमूडा ट्रायंगल के 5 लाख स्क्वायर मील के क्षेत्र में हजारों जहाज और विमान लापता हो गए हैं। यह जगह दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां आसमान में अजीब अनएक्सप्लेनेबल लाइट दिखाई देती हैं और जिसकी वजह से लोगों का यह मानना है कि यहाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं
और वही लोगों का अपहरण करते हैं। लोगों का तो ये भी मानना है कि यह जगह एक पोर्टल है जो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। यह पोर्टल यानी रास्ता है जो कि दूसरे डायमेंशन यानी दूसरी आयाम में हमें ले जाती है। लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है कोई नहीं जानता, न कोई बता सकता है। अब हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना। फैक्ट नंबर 9, बरमूडा ट्रायंगल कोई छोटी जगह नहीं है बल्कि वास्तव में यह काफ़ी बड़ा है और 4,40,000 मील यानी 7,08,112 किलोमीटर के समुद्र के क्षेत्र को कवर करता है, जो कि यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र से भी बड़ा है। फैक्ट नंबर 8, बरमूडा ट्रायंगल में निश्चित रूप से यह तय नहीं है कि इसका प्रभाव त्रिकोण के बाहर भी अनुभव किया जा सकता है या नहीं। फैक्ट नंबर 7, बरमूडा ट्रायंगल में पिछले 100 वर्षों के भीतर कम से कम 1,000 लोगों की जानें चली गई हैं। लगभग हर साल यहाँ औसतन 4 विमान और 20 शिप्स लापता हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 6, लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल में इलेक्ट्रॉनिक कोहरे का अनुभव किया है जो टाइम ट्रेवल टनल भी हो सकता है। पायलट ब्रूस गेरोन का दावा है कि एक टाइम रैपिंग क्लाउड में उड़ान भरने के 28 मिनट बाद ही एक विमान कहीं खो गया, विमान रडार से गायब हो गया, जो कि मियामी बीच से उड़ा था। फैक्ट नंबर 5, अमेरिकी सेना के सबसे बड़े और प्रसिद्ध नुकसानों में से एक सन 1945 में हुआ था। 5 अमेरिकी नौसेना एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स ने फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडो से बीमिन द्वीप के लिए एक साथ ही उड़ान भरी। मिशन में 14 आदमी थे। लगभग 90 मिनट के बाद रेडियो ऑपरेटरों को संकेत मिला कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके बाद संचार खो गया था। उसके बाद वो विमान कभी नहीं मिले। उनके बचाव के लिए गत 3 विमान भी गायब हो गए थे। फैक्ट नंबर 4, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा पॉइंट मिलवाकी डेप्ट है, जो कि बरमूडा ट्रायंगल में स्थित है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच मिलवाकी पॉइंट में 27,493 फीट की गहराई तक पहुंचता है। फैक्ट नंबर 3, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में रिपोर्ट करने वाला पहला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में लिखा था कि त्रिकोण के अंदर जहाज के कंपास ने काम करना बंद कर दिया और उन्होंने आसमान में आग का गोला भी देखा। फैक्ट नंबर 2, कंपास एक विशेष उपकरण है जिसे ठीक से काम करने के लिए किसी बैटरी या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छोटी सुई पृथ्वी के चुंबकीय होने के कारण नॉर्थ पोल की तरफ घूम जाती है, जिससे दिशा का पता चलता है। बरमूडा ट्रायंगल पृथ्वी के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां कंपास चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत नहीं करता है। इसके बजाय यह इधर उधर संकेत करता है, जो भ्रम पैदा करता है। और यही कारण है कि इतने सारे जहाजों और विमानों ने त्रिकोण के अंदर अपने दिशाएं खो दिए हैं। फैक्ट नंबर 1 से पहले मेरे नए चैनल के वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, द गोल्फ स्ट्रीम बरमूडा ट्रायंगल के माध्यम से गुजरता है, जो कि एक मजबूत ओशियन करंट है जिसके कारण वहां के मौसम में तेजी से परिवर्तन आता है।